के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, चीफ मिनिस्टर बनकर 30 महीने यानी 2.5 साल मुकम्मल हो गए, उनका अपना पीरियड आधा मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन तेलंगाना के बनने से पहले उन्होंने जो वादा किया था उस वादे में सिर्फ एक ही वादा उन्होंने पूरा किया, वो है पेंशन का। बाकी का अकलियतों के लिए, मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन नबे भी हवा में लटक रहा है, आदिवासी को 12%, दलित को 3 एकड़ जमीन, इस तरीके से कई चीज़ें उन्होंने जो वादा किया पूरा नहीं किया। अपने लिए बेहतरीन घर बना लिए, बुलेट प्रूफ घर बन गया, बुलेट प्रूफ बाथरूम बन गया, उनके लिए 5 करोड़ की बस है, उनके फिरने के लिए 4 करोड़ की गाड़ियां हैं, यानी करोड़ों रुपया मुल्क के गरीब आवाम टैक्स के जरिए जो पे करे थे उन आवाम के पैसों से वो इंजॉय कर रहे हैं, उनके खानदान अफराद खानदान इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की आवाम गरीबी से और भी यानी एजुकेशन में लिटरेसी परसेंटेज में कोई और इजाफा होता जा रहा है, तो हर महाज पे नाकाम हो गई है सरकार।